गुरु नगरी अमृतसर एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग खाने पीने के बेहद शौकीन है। इतने शौकीन है कि अपने तीन वक्त के खाने का एक समय तो बाहर किसी न किसी जगह पर खाते ही हैं। और मशहूर स्थान है जो अमृतसर के, जहाँ पर लोग जाते हैं, जैसे कि अमृतसर का ये कुलचा लैंड है। कुलचा लैंड बेहद मकबूल है और यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इस समय भी, दोपहर के समय भी, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हैं। इसी मध्य जो नेता लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँच के लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त का रश मिल जाता है। यहाँ पर लोग मिल जाते हैं जिनसे वो बातचीत करते हैं, और चुनावी चर्चा आम तौर पर लोग करते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि इसका सीज़न है, लोग यहाँ पर बैठकर चुनावी चर्चा करते हैं, साथ साथ जो है वो लजीज कुलचों का आनंद लेते हैं। हो सकती है उस पार्टी की, जिस पार्टी ने काम किए हो जनता के लिए, कुछ जनता के हक के बारे में सोचा हो। नहीं जीत पाएंगे सर, उन्होंने काम ही नहीं किया। पंजाब का पवित्र शहर अमृतसर अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक सिख स्वर्ण मंदिर, वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट के लिए तो मशहूर है ही, अपने खान पान और अलग तरह के कई खास व्यंजनों के लिए भी उतना ही जाना जाता है। अपने खास स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध अमृतसर का कुलचा दुनिया भर में पसंद किया जाता है, और इसके जायके का आनंद लेने के लिए अमृतसर की खास जगह पर देसी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में चुनावी माहौल टटोलने के लिए हमारी टीम पहुंची अमृतसर के इस सबसे फेमस जायकेदार प्लेस पर, जो है कुलचा लैंड, जहां से जी ऑल इंडिया इंटरनेशनल सब आते हैं, अमेरिका, कनाडा, दुबई, अबू धाबी, सब जगह से हमारे कस्टमर आते हैं इधर से। तो आजकल तो उम्मीदवार जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं वो भी आ रहे होंगे? हाँ, सब आ रहे हैं जी हमारे पास जी। तो लोगों से फिर बातचीत करते हैं चुनाव? हाँ करते हैं जी। तो क्या आपको लगा कभी कि कौन सी पार्टी का जोर लग रहा है इस समय? इस समय देखो जी, अभी चल रहा है, देखो कौन किसकी पार्टी का जो भी आएगा, हमको इतना मालूम नहीं है जी। जो सरकार है सब जगह होती है, कोई भी उम्मीदवार हो कुछ मालूम नहीं है। बस कुलचे हमारे चार प्रकार के, अमृतसरी कुलचा है, मसाला कुलचा, पनीर कुलचा, पनीर विद मसाला कुलचा हमारे पास। अच्छा, कुलचे चार प्रकार के? जी। तो ज़्यादा कौन सा बिकता है? ज़्यादा हमारा अमृतसरी बिकता है, जैसे कस्टमर स्पाइसी मांगता तो मसाला कुलचा सेम हो जाता है उसी हिसाब से। ये अमृतसरी कुलचा क्यों है, क्या क्यों बोलते हैं इसको अमृतसरी, कि अमृतसर में बनता है या कुछ और कारण है? अमृतसर में बनता है, इसमें आलू प्याज गोभी अदरक धनिया सब मिक्स होता है जी हमारा, इसलिए अमृतसरी कुलचा नाम डाला इसको। अमृतसर आने वाले पर्यटकों को नाश्ते और दोपहर के भोजन में अमृतसरी कुलचा बहुत पसंद आता है। स्थानीय निवासी भी सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने में अमृतसरी कुलचा पसंद करते हैं। यहाँ की यात्रा के दौरान हर कोई अमृतसरी कुलचा ही खाना पसंद करता है, जिसके स्वाद का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है कुलचा लैंड, जहाँ स्वाद के साथ सियासत पर जबरदस्त चर्चा होती है। ग्राहक बहुत ज्यादा रहते हैं, और इसी मध्य जो नेता लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँच के लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त का रश मिल जाता है। यहाँ पर लोग मिल जाते हैं जिनसे वो बातचीत करते हैं, और चुनावी चर्चा आम तौर पर लोग करते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि इसका सीज़न है, लोग यहाँ पर बैठकर चुनावी चर्चा करते हैं, साथ साथ जो है वो लजीज कुलचों का आनंद लेते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की और राजनीति की बात करेंगे कि किस तरह की चर्चा चल रही है लोगों में। हाँ जी, क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम मनदीप कौर जी। मनदीप कौर जी, चुनाव का सीजन है इस समय, क्या चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, किस पार्टी की हवा है और किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? हवा तो सर अभी जब तक प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ जाते कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ हवा हो सकती है उस पार्टी की, जिस पार्टी ने काम किए हो जनता के लिए, कुछ जनता के हक के बारे में सोचा हो या आने वाले वक्त में सोचे इस चीज़ का, जो जनता को एहसास दिला सके पक्के तौर पे, वो पार्टी ज़रूर आएगी सामने। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको, किसका माहौल नज़र आ रहा है? माहौल तो जो देश की अच्छी सेवा करेगा, लोगों की अच्छी सेवा करेगा, लोगों की सुनवाई करेगा, माहौल तो उसका आएगा, हवा भी उसकी चलेगी। अगर हम अपनी तरफ से कुछ जज करें कि हाँ ये आएगा वो आएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं तो कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि नहीं मतलब उनको एड्रेस नहीं किया गया और आप करने चाहिए? मुद्दे वही है सर, जो नशे का है, नशे का तो सभी लोगों ने बोला था कि हाँ नशा कम होगा देश में, हम ये सब करेंगे, जो भी आता रहा उसने बोला कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, बढ़ रहा है, कम तो हुआ नहीं है। अच्छा जी,
यहाँ के कुलचे खाए आपने? हाँ जी सर खाए। कैसे लगे? अच्छे थे, बहुत अच्छे कुलचे थे। तो अच्छा आप बताएंगे? हाँ जी आप बताइए कि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या लगता है, 13 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 13 की 13 जीतनी है, क्या आपको लग रहा है? नहीं जीत पाएंगे सर। अच्छा अभी उन्होंने काम ही नहीं किया। ओके जो काम किया है कांग्रेस और बीजेपी कर रही है। अच्छा। कोई भी नहीं कर रहा। और गुंडा करती है? जो भी गुंडा करती है, जितने भी मतलब गैंगस्टर हुए यहाँ पार्टी में हुए हैं, ये सरकार नहीं आनी चाहिए। पंजाब का माहौल आपको लगता नहीं थी? नहीं, ये खराब करेगी माहौल। अमृतसर का कुलचा लैंड अपने लजीज कुलचे के साथ ही लस्सी और गुड़ के हलवे के लिए भी मशहूर है, जिनके स्वाद के बीच चुनावी चर्चा और जायकेदार हो जाती है। आपको एक बात लगती है कि विपक्ष ने केंद्र में अपनी सही भूमिका निभाई है? अभी तक तो नहीं लगा। आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष ने अपनी सही भूमिका निभाई है? सही भूमिका निभाने के ऊपर, बोलने के ऊपर, मुद्दे आगे रखने की जगह उनके ऊपर अगर काम करते तो मैं कुछ बोल पाती। आपके सामने जब से ये आम आदमी पार्टी सरकार आई है, गुंडागर्दी शरेआम हो गई है, रोज़ दिन दिहाड़े तड़े सामने की पिस्टल्स, 2 नंबर की पिस्टल्स दे नाल कभी जूलर से लूट, कभी घर च वड़ जाते हैं, बड़ा माहौल खराब हो गया। केंद्र की बात कर रहा हूँ, उसकी बात हमने केंद्र में जो, क्योंकि इंडिया अलायंस जो बना है, क्या अलायंस बनाकर जीतने की कोशिश तो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष है पूरा का पूरा एनडीए के सामने जो खड़ा है, उसने सही भूमिका निभाई है विपक्ष की, क्योंकि बहुत लंबा समय वो बाहर रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। 100 पार का नारा इनका आ रहा है सामने, कि आपका लगता है 400 पार हो पाएंगे? सर ये तो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, जताना तो जनता नहीं है, जनता के ऊपर ही ये चीज़ जो है मैं छोड़ देती हूँ कि जनता क्या करेगी आने वाले वक्त पे। हो सकता है ये सच भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका कौन फेवरेट है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? सर मेरा तो वो सारे ही फेवरेट है, ज़्यादा फेवरेट वही होगा जो जनता के हक में काम करेगा। तो जाहिर तौर पर लोग सिर्फ खाने पीने के शौकीन नहीं हैं, पॉलिटिकली भी जागरूक लोग हैं, और वो बता रहे हैं साफ तौर पर कि वो जो राजनीति है, देश की राजनीति, उस पर ध्यान रखते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, आपस में भी चर्चा करते हैं, और चर्चा करके अभी हमने जो बातचीत की है उसमें यहाँ पर भी हमें नरेंद्र मोदी का जलवा नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ राजेश गिल, न्यूज़ नेशन अमृतसर।